من يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى في مقام آخر وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هستی عزیز وقار اسٹیج پہ جلوہ بار معزز شورا اعظم علماء کرام सामने पिंडाल में बैठे हमारे मोजस सामने किरा मेरे अजीज बच्चों नौजवान साथियों पर्दा में बैठी पर्दा नशी खवातीन इस्लाम हमी सभा को सलाम कर जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपनारा बुझते पालने ना हमी सलाम कर लाम। असल बात है कि मैंने बड़े मुकर्रों से सुना है कि रात 12 बजे के बाद जो है ना वो तकरीर सुनी नहीं जाती है, तकरीर खाया जाता है। हम बोलेंगे आप खा लीजिए। रात 2:30 बजने को है और ताज्जुब है मुझे जलसे की दावत 2 तारीख को मिली, 3 तारीख को मिली थी और तकरीर करने 4 तारीख खड़े खड़े हुए। तो भाई हम ठहरे आपका मेहमान, मेहमान का इकराम करना अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इंशाल्लाह अपनारा मेहमान करो इकराम करबेन, अपनार हमार इकराम करबेन। तो एक टू रिक्वेस्ट करब, निवेदन करब, गुजारिश करब, जदि अपनारा मानबेन बोलबो, ना मानबेन बोलबो ना। अरे इंशाल्लाह ये जलसे की सूरत है, ये जलसे की सूरत है आपका। देख रहे 10 आदमी इधर बैठे, बीच में जगह खाली है, कुछ लोग उधर बैठे। अब कुछ लोग हमारा नौजवान वो रोड ही पर उन्होंने कसम खा ली है कि आज मैं रोड पे ही खड़े होकर तकरीर में सुनूंगा, जलसा सुनूंगा, मुझे जलसे गाँव में जाना नहीं है। सुनो शरीयत का मसला सुनो, मस्जिद में भीतर में जमात हो रही है, भीतर में जमात हो रही है, जगह खाली है। अभी एक आदमी आया बोला कि नहीं मस्जिद के अंदर में बहुत गर्मी, हम बाहर ही नमाज पढ़ लेंगे। वो बाहर नियत बांध के खड़ा हो गया, बताओ उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी। उसी तरीके से ये जलसे का पिंडाल सजा है, जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले को मिलेगा वो रोड पर खड़े होकर सुनने वाले को ना मिलेगा। एक गुजारिश करेंगे आप लोग खड़े हो जाएं भाई, सारे लोग खड़े होकर थोड़ा आगे आ जाओ। तो भाई अरे भाई, अरे भाई आ जाओ पीछे, रोड में खड़े होने वाले और नौजवानों, अरे मेहमान को इतने दूर से बुलाए हो, अल्लाह अकबर कबीरा, मेहमान को बोला कि अपने दूर भाग रहे हो, थोड़ा करीब आ जाओ। तो भाई जो लोग बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं पीछे, उनसे मेरी गुजारिश है अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर वो मेरी आवाज़ उनके कानों तक जा रही, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ मेरे भाई, थोड़ा जलसे को बनाओ। इधर कोने में बैठे हैं नौजवानों, इधर आ जाओ। ए बाबू इधर आना, असल जेंटलमैन से तो वहां बैठा हुआ, आ जाओ भाई इधर, इधर सामने आ, इधर सामने आ, जगह खाली है। आ इधर वाले खड़े वाले, ये खड़े जितने भी नौजवान बाबू बैठ जाओ, कबूलियत की घड़ी है, दुआ लेके जाओ, दुआ करके जाओ, तो पूरी रात का जगना बेकार हो जाएगा। बैठ जाओ, दुआ लेके जाओ। कुछ लोग आए जलसा देख कर चले गए। जलसे में दो तरह के लोग आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं। देखने वाले कहाँ हैं, बाजारों में घूम रहे हैं, दुकान में घूम रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, वो देख रहे हैं, जलसा देख रहे हैं। सुनने वाले कहाँ हैं, पिंडाल में बैठे हैं। तो बताओ फायदा किसे मिलेगा। हाँ
मैं कोशिश करूंगा कि 15 से 20 मिनट में मैं तकरीर ख़त्म कर दूँ। क्या नहीं, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा आपको। और पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, लोग साया देखकर टाइम पता कर लेते थे कभी टाइम कितना हुआ है। एक मुकर्रर साहब तकरीर करते थे, मुंह में एक टेबलेट रख लेते थे, एक घंटे में टेबलेट घुल जाती थी, समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया। एक मरतबा एक टेबलेट रखे मुंह में, तकरीर करने बैठे, एक घंटा हो गया, डेढ़ घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, अढ़ाई घंटा हो गया, ना वो टेबलेट मुंह में घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे। अब एक एक आदमी उठ के चला गया कि भाई मौली साहब तो माइक नहीं छोड़ रहे। एक नौजवान बैठा रह गया तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लग रही। तो नौजवान बोला कि नहीं, आपकी तकरीर अच्छी नहीं लग रही। दरअसल बात है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा कि भाई रोजाना ये टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं खुली? जब मुंह से निकाले देखते हैं टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। मौजूद सामने कराम, रात अढ़ाई बजने को है, कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत की घड़ी है, और दुआ करके जाना, ये मेहनत हो रही है, ये मेहनत हो रही है, अब मजदूरी लेके जाना। मजदूरी क्या होगी? दुआ। मजदूरी क्या है? सोना तो है, हर रात सोते हैं, हर रात सोते हैं, सोना तो है। आज की रात अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जगना है। शायद इसी जगने को अगर अल्लाह ने पसंद कर लिया तो आखिरत के लिए निजात का जरिया बन जाएगा। सोना तो आई है। तकरीर करने में तीन बातें हैं, एक है तकरीर करना, एक है तकरीर सुनना, एक है अमल करना। तो तकरीर करना मेरा काम है, तकरीर सुनना आपका काम है, अमल के कुर्बे इंशाल्लाह करवें। हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह हम सब अमल करेंगे। अल्लाह हम सब के हाथ उठाने को कबूल फरमाए। मौजूद सामईन किराम, बहुत सारे लोग नौजवान अभी तक हमारा रोड में खड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों वहीं बैठ जाओ, कम से कम वहीं बैठकर दीन की बातें सुन लो। अल्लाह अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, आमीन बोले दो। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर मैं सुना दूं, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सुनेंगे? असल बात है कि आप लोग इतना सुन लिया कि अब सुनने की ख्वाहिश नहीं है। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। कबूलियत की घड़ी है इस वक्त। हदीसों के अंदर में आता है कि रात का जब तिहाई हिस्सा होता है, ओ मेरा रब आसमान अव्वल में जलवा बार होता है, और कुर्बान जाओ कुर्बान जाओ। मेरा रब कहता है मेरा कोई बंदा जो बीमार हो सेहत की दुआ करे, मैं उसे तंदुरुस्ती अता फरमा दूं। अल्लाह ऐलान फरमाता है मेरा कोई बंदा जो रिज्क की तलाश में हो, रोजी में बरकत चाहता हो, हमसे दुआ कर ले, हम उसके रिज्क में बरकत अता फरमा देंगे। कबूलियत की घड़ी। हमारी माँ बहने भी यहाँ कसीर तादाद में आई है, आप लोगों से गुजारिश है मेरी माँ बहनों दुआ करके यहाँ से जाना। खुदा के वास्ते आपस में बात ना करना। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। सुभान अल्लाह। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस शेर में मैं आप तमामी लोगों को शामिल करना चाहता हूँ। आरजू यही है आखिरी, मुझको मौत आए जिस घड़ी। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, मौत पीछे खड़ी है। एक बात याद रखना, जहन में एक बात बैठा लो, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है।
इससे ना भाग कोई पाया है, ना कोई भाग सकता है, ना इससे कोई बच पाया है, ना कोई बच पाएगा। पीछे मौत खड़ी है, कब उस रब का हुक्म होगा, हम इसे दबोच लेंगे। तो मरने से पहले वहां की तैयारी करनी है जहां हमेशा हमेशा रहना है। सुभान अल्लाह। वहां की तैयारी करनी है जहां हमेशा हमेशा रहना है। ना जाने कितने नौजवान चले गए, कितने नौजवानों को इस मौत ने अल्लाह अकबर कबीर अपना लुकमा बना लिया। आरज़ू यही है आखिरी, मुझको मौत आए जिस घड़ी, आरज़ू यही है आखिरी, मुझको मौत आए जिस घड़ी, मुझको मौत आए जिस घड़ी, उस घड़ी नजर के सामने सिर्फ चेहरा रसूल हो। उस घड़ी नजर के सामने सिर्फ चेहरे रसूल हो। कबूलियत की घड़ी है मेरे बच्चों, कबूलियत की घड़ी है। यहाँ जो दुआ होगी इंशाल्लाह वो कबूल होगी, वो जो यहाँ पर जो दुआ होगी वो कबूल होगी, वो मकबूल होगी। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान होता है उन 40ों में से एक अल्लाह का वली होता है। जरा सुभान अल्लाह बोलो ना, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह का वली होता है। अल्लाह अकबर कबीरा, यहाँ कई 100 लोग बैठे हैं, बताओ तो सही इस मजमे में कितने वली बैठे होंगे। अब बताओ जिस मजमे में अल्लाह का वली हो वहाँ दुआ मांगी जाए, बताओ वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी। हमारा छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है जो गुनाहों को नहीं जानता है, अल्लाह अकबर कबीरा, रात 3 बज गए, यूं टिकटिकी बांध के देखता जा रहा है, बताओ दुआ जब होगी या आमीन जब कहेगा, बताओ वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी। मेरी वो पर्दा नशी माँ बहनी बैठी है यहाँ पर, जिसने कभी गैर महरम के चेहरे को नहीं देखी है, बताओ उस दुआ पर जब वो आमीन कहेगी वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी। बेशक बेशक, दुआ करके जाना, दुआ करके जाना, या जो दुआ होगी कबूल होगी, मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक आदमी एक गांव में इंतकाल कर गया, इमाम साहब नहीं है, इमाम साहब कहाँ गए? बोले इमाम साहब तो है नहीं, इमाम साहब खड़गपुर चले गए, अब वो कल आएंगे। जनाजा कौन पढ़ाएगा? बस्ती में नजर दौड़ाया, कोई जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं, किसी को पता ही नहीं जनाजे की नमाज कैसे पढ़ाई जाती है। अब भाई पता होगा तब तो जनाजा पड़ेगा। तो लोगों ने कहा भाई कैसे जनाजा पढ़ा जाएगा, इमाम साहब तो कल आएंगे, जनाजा कल तक रखा रहेगा। तो बोले एक मस्तान है, मस्तान को बोलो, मस्तान पढ़ा देगा। मस्तान को बोला गया, मस्तान ने मना कर दिया, मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। बोले नहीं पढ़ाना तो आप ही को पढ़ेगा, आपको पता है, पढ़ा दो। बोले नहीं मैं नहीं पढ़ाता। एक नौजवान ने कहा नहीं पढ़ाएंगे? बोला नहीं नहीं पढ़ेंगे। बोला डंडा देखते हो? बोला डंडा मार के जनाजा पढ़ाएगा। बोला चल ठीक है सफ लगाओ। एक मैदान में सफ लगाई गई, 7 सफे लगी, कितने सफे लगी भाई? और मई जून की गर्मी, तपिश की गर्मी, धूप तेज, 7 सफे लगी। ये मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर, 20 मिनट हो गए, मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा है, पीछे वाले बैठ गए। बोला समझ में आ गई बात, ये जनाजा पढ़ा रहा कि तरावी की नमाज पढ़ा रहा। आगे वाले बेचारे फंसे थे, बीच वाले मजबूर थे, हम लोग निकले तो किधर से निकले? अल्लाह अल्लाह करके 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई, तो पीछे वालों ने आइडिया लगा लिया कि अब तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद होगी, हमको बाजार जाना है। 40 मिनट के बाद तीसरी तकबीर, चौथी तकबीर, 1 घंटे के बाद सलाम फेरा गया, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया मस्तान को, भी क्या पढ़ाया? बोला बाबू जनाजा पढ़ाया। बोले इतनी लंबी नमाज जनाजा आज तक हम लोग नहीं पढ़े। तो मस्तान बोला तुम लोग क्या समझते हो, हम एक आदमी जनाजा पढ़ाए? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना आदमी थे सबका जनाजा आज पढ़ा दिया, अब जनाजा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। बस रब की बारगाह में दुआ करो, मौला आना मेरा काम है, बैठना मेरा काम है, सुनना मेरा काम है, दुआ करना मेरा काम है, मौला कबूल करना तेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश नसीब है वो शख्स। और नौजवानों सुनो, तौबा करना,
आज अपने गुनाहों से तौबा करना। सुनो, ओ मेरा रब कितना प्यारा है, कुर्बान जाओ अपने बंदे का, तौबे का मेरा अल्लाह इंतजार करता है। बेशक सोचो तो सही, इतना प्यार कोई कर सकता है दुनिया के अंदर में, इतनी मोहब्बत कोई कर सकता है दुनिया के अंदर में। अल्लाहू अकबर कबीरा, ना कोई बीवी अपने शौहर से इतनी मोहब्बत कर सकती है, ना कोई शौहर अपने बीवी से इतनी मोहब्बत कर सकता है, ना कोई माँ अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत कर सकती है, ना कोई भाई अपने भाई से इतनी मोहब्बत कर सकता है जितनी मोहब्बत मेरा अल्लाह अपने बंदे से करता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाह, झूठी मोहब्बत है दुनिया की, झूठी मोहब्बत है। परवान जाओ, बीवी कहने लगी अगर मैं मर जाऊं तो आप दूसरी शादी तो नहीं करोगे? तो शोहर ने कहा कि देखा जाएगा। बीवी ने कही कि आप ये मुझे ये बताओ, आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, कितनी मोहब्बत करते हो? शोहर ने कहा कि मैं तुम्हारे मोहब्बत में तो पागल हूं, पागल हूं। तो बीवी ने कही कि आप पागल हो मेरी मोहब्बत में, अगर मैं मर जाऊं तो दूसरी शादी नहीं करोगे ना? तो उसका शौहर बोला कि पागल कुछ भी कर सकता है। ये दुनिया मकड़ी का जाला है, मच्छर के पर के बराबर है। मेरे बच्चों इस दुनिया से निकलो, दुनिया की मोहब्बत को दिलों से निकालो, उनकी मोहब्बत को दिलों में बसाओ जिनके सामने खड़ा होना है। अपने साबिका गुनाहों से तौबा करना। आज जितने नौजवान बैठे हो, अपने गुनाहों से तौबा करना। आज शायद कि अभी इधर इधर जहेज चलता कि नहीं चलता, आप लोग जहेज लेते कि नहीं लेते है? इधर भी है बीमारी। अरे बाप रे बाप, अल्लाह रहमत फरमाए, ये बीमारी हर जगह फैली हुई है। अच्छा ओ कुर्बान जाओ, अभी अभी स्प्लेंडर गाड़ी वो जहेज में नहीं लेते लोग, स्प्लेंडर नहीं लेते, ग्लैमर भले वो भी नहीं चलेगी, फिर कौन सी गाड़ी चलेगी? अभी एक नई गाड़ी निकली है जिस गाड़ी का नाम है थपाची। क्या नाम है? अपाची, हम इसका नाम थपाची रखा है। बड़ी तेजी के साथ ये गाड़ी चल रही। ओ मेरे बच्चों, अजीम शान जलसा सजाए हो, सीरतुल मुस्तफा सीरतुल नबी का जलसा सजाए हो, पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। सुनो, अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा वो जो 1,00,000 रुपए उससे लिया था, बता तो सही कैसा पैसा लिया था, हिसाब दे दे, पाई पाई का अल्लाह हिसाब लेगा, तब जाके हिल सकते हो। नमाज पढ़े हो, ये नमाज रखी है, रोजा रखे हो, ये रखा हुआ है, कुरान की तिलावत की हो, ये रखा हुआ है, हज किए हो, रखा हुआ है, पहले इसका हिसाब दे, ये पैसा कहाँ से लिया, कैसा पैसा लिया। शराब पीना हराम है, जहेज लेना हराम है, जहेज लेना आराम है। कुर्बान तो जाओ, अभी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, कुर्बान जाओ, वो आयशा नाम की वो लड़की अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूद कर जान दे दी। आखिर किसी की तो बेटी है, किसी की तो बहन थी। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई, सर में कपड़ा नहीं, अल्लाह के नबी की नजर पड़ गई, अपने कंधे से काली कमली उतारते हैं, उस बच्ची के सर पे रखते हैं, साहबा से कहते हैं, साहबियों सुनो, बेटी किसी की भी हो बेटी बेटी होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, क्या तुम्हारे बाजुओं में ताकत खत्म हो गई जो तुम जहेज में पैसा मांग कर अपनी अपनी ख्वाहिश को पूरी करोगे? अल्लाह ने बाजुओं में ताकत नहीं दी है क्या? अल्लाह की जात पर से यकीन तुम्हारा उड़ गया, वो जो सबसे बड़ा रज़ाक बैठा है। इन्नल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, मेरा अल्लाह ऐलान फरमा दिया कुरान में, बेशक मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता हूँ। अल्लाह की जात पे से यकीन उड़ गया क्या? किसी की दौलत पे, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है। कोई किसी अगर 10,00,000 रुपए दे भी दे, अगर किस्मत में दौलत नहीं है तो जिधर से आया उधर से निकल जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर किस्मत में दौलत लिख दी है इंशाल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह सोना बना देगा। इंशाल्लाह वादा करो,
कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा के वादा करो ना लेंगे ना देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज जो ले लिए हो जो लेके बैठे अब उसकी कोई सूरत तो है नहीं। एक लड़की वाले को पता चला एक लड़का बाहर से पढ़कर आया है, इकलौता बेटा है बाप का, बस जल्दी से हमला करो कहीं लड़का हाथ से ना निकल जाए, मेरी भी इकलौती बेटी है, मेरी बेटी के साथ शादी हो जाए। तस्वीर ले लिया, बेटी का तस्वीर लिया, अब पहुंचा लड़के वाले के घर पे, पहुंचा लड़के वाले को दिखाया कि आपकी आपका लड़का है पढ़कर आया। बोला हाँ पढ़कर आया। बोला आप शादी करेंगे? बोला अच्छी लड़की मिल जाएगी शादी कर लेंगे। बोला ये मेरी लड़की की फोटो देख लो, तस्वीर देख लो। लड़के के बाप ने देखा तस्वीर अच्छी लगी, बोला लड़की तो अच्छी आपकी, लड़के को दिखा दो। लड़के को दिखाया, लड़का भी बोला लड़की तो ब्यूटीफुल है, पसंद है, पसंद है। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ, सोचा बस लेन देन का कुछ बात कर ले, पसंद तो होगी अब तो कुछ लेन देन का बात कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा, सामने बिठाया लड़की वाला ने लड़के को। लड़का एमए भी था ओमए भी था, संस्कृत पढ़कर आया था, संस्कृत पढ़कर लड़का आया था। इस लड़की वाले ने कहा कि बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, कौन सी घड़ी लेगा? तो लड़का बोला ना। बोला क्या बोला भाई? ये ना बोला कि हाँ बोला। तो उसके साथ में जो था ना वो बोला कि संस्कृत में बोला है, फिर से पूछो। तो उससे पूछा कि बेटा क्या लेगा? फ्रीज लेगा, फ्रीज, फ्रीज लेगा। तो लड़का बोला ना। बोला भाई क्या बोला? ये ना बोला कि हाँ बोला। तो उसके साथ में जो था उन्होंने कहा फिर पूछो। बोला बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाले को गुस्सा आया, डांट कर बोला कि खुल कर बोलो क्या लेगा। तो लड़का बोला या मा। बोला बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ये यामा लेगा। मेरे बच्चों तौबा करो, तौबा करो, नबी का जलसा सजाए हो, एक पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेना है ना जहेज देना है। लेकिन सुनो, कौन बेटी वाला नहीं चाहता है कि हम अपनी बेटी को जहेज दें? कौन बेटी वाला नहीं चाहता है कि हम अपनी बेटी को जहेज दें? वो अपनी हैसियत के मुताबिक जो खुशी से दे दे उसे कबूल कर लो, उसे कबूल कर लो, मांग कर नहीं लेना। जलसे से एक पैगाम लेकर उठो। अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान जाओ। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मैंने जो आयत मुकद्दसा का तिलावत का जो शरफ हासिल किया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु बिलवालिदैनि एहसाना, माँ बाप के ऊपर मैं कमेटी वालों का हुक्म है कि इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू करनी है इंशाल्लाह। सुनेंगे मेरे भाई कि तकरीर खत्म कर दूं? सुनेंगे? कितने लोग तैयार नहीं है? जरा हाथ उठाइए तो। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले कहा था कबूलियत की घड़ी है, दुआ करके जाना। सोना तो हर रात है, लेकिन फजर की नमाज पढ़े बगैर सोना मत, पूरी रात का जगना बेकार हो जाए। ये जो बैठे हो ना, पूरी रात जलसा सुन रहे हैं ना, अगर फजर की नमाज नहीं पढ़े सो गए तो ये पूरी रात का बैठना बेकार। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, फजर की नमाज पढ़ के ही सोना है और तौबा करना अपने गुनाहों से। मैंने कहा ना, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा गुनाह अगर समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो जाए, जमीन से लेकर आसमान तक अगर गुनाह बराबर आसमान में लग जाए, जमीन से लेकर आसमान तक तुम्हारा गुनाहों का ढेर हो जाए, सिर्फ तीन बोल बोल लो। कितने बोल बोलने? बोलो भाई। तो मेरा, मैं अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तीन बोल बोल लो। ये तीन बोल बोलने के लिए, मेरी माँ बहन सुनो, तीन बोल बोलने के लिए मैं तो कहता हूं कि आपको 3 सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड। ये तीन बोल बोलोगे 3 सेकंड लगेंगे। अल्लाह, ये जमीन से लेकर आसमान तक जितना गुनाह है सबको माफ कर देगा, ये सब गुनाह माफ हो जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ बोलोगे वो तीन बोल बोलोगे, मैं बता दूं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारा गुनाह दरख्त के पत्तों से भी ज्यादा क्यों ना हो, आसमान के सितारों से भी ज्यादा क्यों ना हो, जमीन के जर्रा से भी ज्यादा क्यों ना हो, समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, ये तीन बोल बोल लो, अल्लाह तुम्हें गुनाहों से ऐसा पाक कर देगा जैसे आज कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमाना है बनी इसराइल का जमाना है, कुर्बान जाओ। एक आदमी है 99 आदमी को कत्ल कर चुका है, 99 आदमी को कत्ल कर चुका है, 99 आदमी को मार चुका है। उसका काम था आदमी को मारना, आधा आदमी को मारना, लेकिन आखिर था तो इंसान था ना, आखिर था तो इंसान था। सोचा एक दिन मौत आएगी, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया में 99 आदमी को तुमने क्यों मारा, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, ये दुनिया है, शायद मैं तौबा कर लूं, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। मसला पूछने गया, मसला पूछने गया, किसी से पूछा भाई मुझे तौबा करनी है, क्या मैं तो, मेरी तौबा कबूल हो जाए? तो किसी ने कहा भाई किसी पढ़े लिखे से पूछो। एक आबिद के पास गया, सामने बैठा है, उस आबिद ने कहा भाई क्या नाम? बोला मेरा फलां फलां है। क्या काम? बोले मैं 99 आदमी को मार चुका हूँ, मैं अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरा अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर देगा? तो उस आबिद ने कहा दूर हट दूर हट। बोला क्यों? बोला शर्म नहीं आती 99 आदमी को मार कर आया तौबा करने? चल जा, 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 जा तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। बोला जा तौबा कबूल नहीं होगी? बोला नहीं होगी। बोला जा ठीक, जब तौबे कबूल नहीं होगी तो 99 कह रहेगा। निकाला तलवार और उसकी गर्दन उड़ा दिया। बोला 100 पूरा करेगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते 100 पूरे हो गए। फिर कुछ महीने गुजरे, आखिर था इंसान। सोचा अल्लाह कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा। रात में सोता, नींद नहीं आती, करवटे बदलते बदलते रात गुजर जाती कि मैं 100 आदमी को मार चुका हूं, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, मैं क्या जवाब दूंगा? एक आदमी से पूछा कि भाई मुझे एक आलिम से मिलना है, आलिम से मिलना है, आलिम से मिलना है। बोला कि आलिम से मिलना है तो सुनो, ओ जो बस्ती है ना, उस बस्ती में एक आलिम है, बहुत बड़ा आलिम है, उसके पास चला जा। वो आलिम के पास गया, कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, दीन सीखो, आलिमों से मोहब्बत करो, आलिमों से मोहब्बत करो। एक बात याद रखना, ये जो हमारे आलिम उलमा, ये हमारे आलिम उलमा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो मौलाना लोग हैं ना, ये सिर्फ दुनिया ही में काम नहीं आते, जन्नत में चले जाओगे ना वहां भी इनकी जरूरत पड़ेगी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते ये उलमा मेरे वारिस हैं। खुश नसीब है वो लोग जिनकी मोहब्बत उलमा से है, उनकी खिदमत करते, उनकी दुआएं लेते। मसलों को सीखो, बहुत जरूरी है, दीन को सीखो, सिर्फ नारा लगाने से नहीं होगा, दीन को सीखना पड़ेगा। नमाज पढ़ रहे हो, 10 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन पता नहीं है कि नमाज में वाजिबात कितने हैं, फराइज कितने हैं, पता नहीं। अब मान गए मैं अकेले नमाज पढ़ रहा हूं, कोई फर्ज छूट गया, मसला मारा मालूम नहीं है, तो नमाज होगी कि नहीं होगी? अब भाई होगी, लेकिन तुम दिले दिल खुश होगे मैं नमाज पढ़ लिया, वाजिबात छूट गए, मैं नमाज पढ़ रहा था वाजिबात छूट गए, अब सजदा सहू किया नहीं, मसला मालूम है नहीं है कि सजदा सहू करेंगे कि नहीं करेंगे, नमाज होगी? नमाज हो, नमाज बोलो भाई, नमाज होगी? एक इमाम साहब को कहीं जाना था, तो मुक्तदियों में बोला कि भाई मैं 4 टाइम नहीं रहूंगा, कोई नमाज पढ़ा देगा? कोई नमाज पढ़ा देगा मुक्तदियों में? कोई पढ़ा देगा 4 टाइम का नमाज पढ़ा देगा? तो एक मुक्तदी बोला कि मैं पढ़ा दूंगा, नमाज ही पढ़ाना तो है, नमाज ही तो पढ़ाना है, मैं पढ़ा दूंगा। बोला सोच लो नमाज पढ़ाने आती है तो? बोला एकदम आती है, अलम तरह कैफा से लेकर कुलाव तरह बिन्नास तक 10 सूरे याद है। मैं बोला ठीक है पढ़ा देना। जोहर की नमाज पढ़ा दिए बेचारे ने, ये सिर्री नमाज है, बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना है। जोहर की नमाज बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते हैं भाई। असर नमाज पढ़ा दी, ये भी सिर्री नमाज है। मगरब की नमाज पढ़ाने के लिए बेचारे आगे बढ़े, कुछ भूल हो गई, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। अच्छा आप लोगों के यहां भी मस्जिदों में जो जहां इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं वहीं दरवाजा होता है, बड़ी बड़ी मस्जिदों में जहां इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं ना वहीं दरवाजा होता है उनका, इमाम साहब का आने का। उधर ही से सामने से आएंगे, दरवाजा खोले इमाम साहब निकल गए, बीच मस्जिद से आने की जरूरत नहीं। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी मस्जिदों में अब ये बिचारे को जो लुकमा पड़ा ये सोचने लगा कि अल्लाह अकबर कबीरा, अब सजदा सहू करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर सजदा सहू नहीं है, अगर कर लेंगे तो लोग फिर पकड़ेगा कि काहे किया।
अगर है, अगर अगर है, अगर नहीं करेंगे फिर भी लोग पकड़ेंगे तो हम जवाब क्या देंगे। बड़ा परेशान हो गया, बोला अच्छा ठीक है एक रास्ता है। तीन रकात नमाज पूरी करके सजदा में जब गया, जब सजदे में गया तो चुपके से उठा, कुंडी खोला, बाहर निकल गया। सारे मुक्तदी सजदे में, कोई तीन मर्तबा सुभान रब्बी अलाला बोला, कोई पांच मर्तबा बोला, कोई सात मर्तबा पढ़ा, किसी ने ग्यारह मर्तबा पढ़ा। आखिर उसी में से कितने नमाजी बेचैन भी तो होते हैं ना। उन्होंने कहा भाई क्या बात है भाई, हजरत सर क्यों नहीं उठा रहे, कहीं ऐसा हजरत पहुंच तो नहीं गए, बहुत दूर पहुंच तो नहीं गए हजरत भाई, सर क्यों नहीं उठा रहे। तो एक आदमी ने सर उठाकर बोला, अरे भाई मौली साहब नहीं है, हजरत फरार है। दीन को सीखो नौजवानों, मसलो मसाइल को सीखना जरूरी है। ये जो नमाज है ना, ये जो नमाज है ना, अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की हो। मेरे बच्चों नमाज पढ़ो, जिसकी जिंदगी में नमाज जैसा अमल ना हो उसकी जिंदगी बेकार है, उसकी जिंदगी बेकार है। ए मेरी माँ बहनों सुनो, नमाजों की पाबंदी करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि हव्वा की बेटियों, ए हव्वा की बेटियों सुनो, चार काम कर लो दुनिया में, जन्नत के आठ दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। जरा सुभान अल्लाह तो बोलो माशाल्लाह। कितने दरवाजे हैं जन्नत के? अल्लाह ने कह दिया कि चार काम कर लो दुनिया में, चार काम कर लो। औरतों से कहा अल्लाह ने, मर्दों से नहीं, औरतों से कहा कि चार काम कर लो दुनिया में, जन्नत के आठ दरवाजे हैं, तुम जिस दरवाजे से चाहोगी जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। इंशाल्लाह हम अपनी माँ बहनों के बारे में भी कुछ बोलेंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, मैं अपनी माँ बहनों के बारे में भी कुछ बोलूंगा इंशाल्लाह। पहले इधर जहन को हाजिर करो। एक आलिम के पास गया, आलिम के पास गया, ये सौ आदमी को कत्ल करने वाला आलिम के पास बैठा है। तो आलिम ने पूछा क्या नाम? बोला फला। कहाँ से आया? बोला हजरत मैं फला जगह से आया हूँ। क्या काम है? बोला कि हजरत काम तो है कि एक मसला पूछना। बोला पूछो। बोला कि मैं सौ आदमी को मार चुका, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? तो हम कहते हैं कि अगर वो आलिम साहब बोल देते कि तौबा कबूल नहीं होगी तो ये 101 वहीं हो जाता, वही 101 वहीं हो जाते। लेकिन वो आलिम था, उन्होंने कहा ए नौजवान ये सौ आदमी क्या कहता है, तुम्हारा गुनाह अगर पूरी दुनिया के अंदर में भर जाए फिर भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करोगे, मेरा अल्लाह तेरी तौबा अपनी बारगाह में कबूल करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन सुन, ये जगह तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, तौबा यहाँ ना कर। वो जो बस्ती देख रहा है ना, उस बस्ती में अल्लाह के लोग रहते हैं, नेक लोग रहते हैं, मुत्तकी लोग रहते हैं, परहेजगार लोग रहते हैं, अल्लाह वाले रहते हैं। उन बस्ती में चला जा, उनकी सोहबत में तौबा कर ले, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नौजवान बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी तौबा कबूल होगी। ओ नौजवान उस बस्ती से निकला, उस बस्ती से निकला, कुछ दूर निकला था, कुछ दूर चला था, ठोकर लगी, ठोकर लगी, ठोकर लगी, गिरा, मुंह के बल गिरा। हदीसों के अंदर माता है, यूं गिरा, पेट के बल गिरा, मुंह के बल गिरा, फिर उठना चाहा, उठ ना पाया, बदन हरकत करना छोड़ दिया, जिस्म साकित हो गया, जिसमें से रूह प्रवास कर गई, जिसमें से रूह प्रवास कर गई। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि उस नौजवान का इंतकाल हो, वहां कोई नहीं है, ना रोने वाला कोई है, ना कोई अपना है, ना कोई बेगाना है, उसका जिस्म पड़ा है। जन्नत का फरिश्ता आया, जहन्नम का भी फरिश्ता आया, दोनों फरिश्ते आए। जन्नत का फरिश्ता कह रहा था इसे मैं जन्नत में ले जाऊंगा, जहन्नम के फरिश्ते ने कहा कि नहीं मैं जन्नत में ले जाने नहीं दूंगा, इसलिए कि 100 आदमी को इन्होंने मारा है। तो जन्नत के फरिश्ते ने जवाब दिया ये सही है, 100 आदमी को इन्होंने मारा है, लेकिन तौबा कर चुका है, ये तौबा कर चुका है, इरादा कर लिया। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता।
राजा ने अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा, तीसरे फरिश्ते को भेजा, कैसा कर जा जा उन दोनों से कहे आपस में बहस ना करे। ओ मेरा बंदा जिस बस्ती से निकला है, जिस बस्ती से निकला है उसका जिस्म जहां है, याद रखना अल्लाह के नबी समझाते हैं कि उसका जिस्म जहां है, जहां मरा है उसका जिस्म पड़ा है। अब इस बस्ती से निकला है, अगर ये बस्ती करीब है, अभी ये बस्ती करीब है तो ये जहन्नम, जहन्नम में जाएगा, दोजख में जाएगा। अच्छा ये बस्ती दूर है, ये जिसमें से ये बस्ती दूर है, कुर्बान जाओ, ये बस्ती अगर, ये बस्ती जिसमें से अगर करीब है जहन्नम में जाएगा, अगर ये बस्ती दूर है तो वो जन्नत में जाएगा। जमीन की पैमाइश करो, जमीन को नापो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्ते जमीन को नापना शुरू किए कि जिस बस्ती से निकला था तौबा करने की नियत से, आलिम से मसला पूछ कर, जिस बस्ती से निकला था अभी तो थोड़ी देर निकला ही था, यहीं पर इंतकाल हो गया, जिस बस्ती में तौबा करने जाना था ये बस्ती यहाँ है, इतनी दूरी पे। लेकिन कुर्बान जाओ फरिश्ते जमीन को नापना शुरू किए, तो अल्लाह ने ये जमीन जो इतनी दूर थी ना अल्लाह के नेक बंदों की बस्ती की तरफ, तो अल्लाह ने जमीन के इस हिस्से को हुक्म दिया कि तुम सिमट जाओ, मेरे बंदे की जिस्म की तरफ सिमट जाओ, इस हिस्से को हुक्म दिया तुम फैल जाओ, इस हिस्से को हुक्म दिया तुम सिमट जाओ, मेरे बंदे के जिस्म के करीब हो जाओ ताकि मेरा बंदा जन्नती बन जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरा बंदा जन्नती बन जाए। और कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह का फैसला हो गया, ये जमीन का हिस्सा और करीब हो गया जिसमें से अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया मेरा एक बंदे को गुसल दो, जन्नती कफन पहनाओ, जन्नत के अंदर में दाखिल कर। मेरा बच्चा तौबा करनी है इंशाल्लाह, हाथ उठाओ इंशाल्लाह तौबा करनी है इंशाल्लाह। माशाल्लाह मेरे साथ तीन बोल बोलो, तीन बोल बोलो, तीन बोल बोलो, तीन बोल बोलो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि ये तीन बोल बोल लोगे अल्लाह तुम्हें गुनाहों से ऐसा पाक कर देगा जैसे आज ही कोई माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ, आज ही बच्चा पैदा हुआ। वो बोले बोलो अल्लाह मेरी तौबा, मेरी माँ बहनों तुम भी बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। कई बार बोले, तीन बार। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ये तीन बोल जो बोल लेगा ना उसका गुनाह अगर जमीन से लेकर आसमान तक भर गया हो, ये तीन बोल बोल लो अल्लाह तुम्हें गुनाहों से ऐसा पाक कर देगा जैसा तुमने गुनाह किया ही नहीं। मूसा अलैहि सलाम का जमाना, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही है, लोग परेशान हो गए, खेती नहीं हो रही, फसल नहीं उग रहे, बूढ़े तरब रहे, बच्चा भी लग रहा है, लोग दाने दाने को तरस गए, लोग हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास भागे, ए अल्लाह के पैगंबर अब है, अल्लाह के पैगंबर है, बारिश नहीं हो रही है, अब दुआ करो अल्लाह बारिश बरसाए। वल्ला ठीक है, ऐसा करो मैदान में जमा हो जाओ, मैदान में जमा हो जाओ। ऐलान कर दिया, मैदान में लोग जमा होते गए होते गए होते गए 70,000 आ गए। कितने आ गए भाई, भाई बोलो भाई कितने आ गए, 70,000 का मजमा हो गया। हजरत मूसा अलैहि सलाम दुआ मांग रहे मौला बारिश बरसा दे, तो उधर से आवाज आई, अल्लाह ने ऐलान किया मेरा मूसा बारिश नहीं बरसाऊंगा, ये तुम्हारा जो 70,000 का मजमा बैठा है ना उसमें एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से गुनाह कर रहा हो, 40 साल से अपने गुनाहों से मेरा मुकाबला कर रहा है, जब तक वो इस मजमे से निकलेगा नहीं मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। है ऐसा कोई प्यार करने वाला? हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि मौला मैं उसे कैसे पहचानूंगा, मैं कैसे ऐलान करूंगा 70,000 का मजमा है, कोई माइक का जमाना थोड़ी था। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा तू ऐलान कर, ऐलान करना तुम्हारा काम है, उस आवाज को बंदों के कानों तक पहुंचाना मेरा काम है। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाल्लाह, 70,000 का मजमा है, हजरत मूसा अलैहि सलाम ने ऐलान किया कौन है वो बदनसीब इंसान 40 साल से अपने गुनाहों से मेरा अल्लाह का मुकाबला कर रहा है, निकल जा इस मजलिस से, तेरी वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम हैं। वो जो था ना, वो जो गुनहगार था, उन्होंने दाएं देखा बाएं देखा आगे देखा पीछे देखा कि शायद हमसे भी बड़ा कोई गुनहगार हो, कोई निकले तो सही, कोई तो निकले, कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई नहीं निकला, ये समझ गया मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। अब सोचा कि अभी इस मजलिस से अगर निकलते तो लोग क्या कहेंगे, शर्म लगी कि नहीं भाई, कि कितना बड़ा गुनहगार है जिसकी वजह से लाखों लोग इनके अल्लाह की रहमत से महरूम थे।
तो शर्म से उसी जगह हदीस के अंदर में आता है कि बैठा, एक कपड़ा अपने चेहरे पे डाला, चंद कतरे आंसू के बहाए। उन्होंने कहा कि मौला तू जानता है मैं कौन, मौला तू ही जानता है कि मैं कौन। तेरी रहमत बड़ी है कि मेरा गुनाह बड़ा। मौला मेरा गुनाह बड़ा है कि तेरी रहमत बड़ी है। मैंने तो सुना है कि तेरी रहमत के आगे कुछ नहीं। या अल्लाह अगर मेरा गुना बड़ा है तो ये 70,000 का मजमा बैठा है सबका गुना मेरे ऊपर डाल दे। या अल्लाह अगर तेरी रहमत बड़ी है तो मैं तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा। हदीस के अंदर माता के चंद कतरे गिरी आंखों से इस नौजवान ने तौबा कर ली। बादल के टुकड़े आपस में मिलना शुरू हो गया, आपस में मिलना शुरू हो गया, और देखते देखते मौसलाधार बारिश, ले बारिश, ले बारिश, ले बारिश। हजरत मूसा अलैहि सलाम हुए हैरत है कि अल्लाह ने कहा कि जब तक निकलेगा नहीं बारिश बरसाऊंगा नहीं, तू तो कोई तो निकला ही नहीं, फिर बारिश कैसे। अल्लाह से कहा मौला वो तो निकला नहीं बारिश, तो अल्लाह ने कहा कि मूसा जिसके वजह से बंद कर रखा था उसी के तूफेल में बारिश को बरसाया। जरा सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। जिसके वजह से पानी को रोक रखा था उसी के तूफेल में बारिश को बरसाया है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज किया मौला वो कौन तेरा बंदा है जिसके वजह से तूने बारिश बरसाया है, ए अल्लाह उसका चेहरा दिखा दे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अल्लाह ने ऐलान किया ए मेरा मूसा जब वो मेरा नाफरमान था मैंने उसे कभी रुसवा नहीं किया, अब तो वो मेरा फरमान बरदार हो गया है, अब भला उसे रुस्वा कैसे करूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना सुनाओ की मेरे नौजवानों जिंदाबाद और कुर्बान जाओ। हां भाई नारा लगाओ तो पूरा लगाओ, मिस कॉल की तरह नारा लगा। नारे तकबीर मौलाना सोहराब कलकत्ती जिंदाबाद। नारा से जानते हो पहली तकबीर नारा अल्लाह के नबी ने लगाया, अल्लाह के नबी ने लगाया नारा। कब लगाया था मालूम है? जब हजरत उमर फारूक इस्लाम कबूल किए थे ना तब अल्लाह के नबी ने नारा लगाया था। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त की किल्लत है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अनु का वाकया मैं सुनाता आपको। मेरे नौजवानों वक्त इजाजत नहीं देता है, बस जहन को हाजिर करो, तौबा करके उठना है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फजर की नमाज पढ़नी है। आ जाओ माँ बाप के थोड़ा तरफ थोड़ा सा। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु बिलवालिदैन एहसाना। और कुर्बान जाओ अल्लाह का कुरान कहता है मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो आगे अल्लाह कहता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु बिलवालिदैन एहसाना इम्मा यबलुगन इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्युं वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। मेरा अल्लाह कहता है कि सुनो जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए ना, मेरे बच्चों मेरा अल्लाह कहता है कि जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए ना, माँ बुढ़ापे पे पहुंच जाए, बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, तूने झिड़कना नहीं। और सुनो आगे अल्लाह कहता है उफ़्युं वला तन्हरहुमा, और सुनो उनको उफ़ तक न कहना, औ कुर रब्बिर हमोमा कमारा बियानी सगीरा, और हमेशा उनके लिए दुआ करना, हे अल्लाह शफ़क़त का बाजू बिछाना, हे अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा करा। नौजवानों एक बात याद रखना, तुम जितनी नमाजें पढ़नी है पढ़ लो, जितना कुरान पढ़ना पढ़ लो, जितना रोजा रखना रख लो, जितने बार हज करना हज कर लो, खुदा की कसम अगर माँ बाप रूठा है नाराज है तो ये रोजा ये हज ये सदका ये खैरात ये कुरान की तिलावत सब एक तरफ रह जाएंगे, उस वक्त कबूल नहीं होंगे जब तक के रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं। सुभान अल्लाह। माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप राजी भाई माँ बाप राजी, माँ बाप नाराज। अब बताओ जिससे अल्लाह नाराज हो जाए उसका इस दुनिया में कोई ठिकाना है भाई? ठिकाना है? ओ नौजवानों कुर्बान जाओ, तुम दुनिया को खुश करना चाहते हो, माँ बाप को खुश कब करोगे? माँ बाप को खुश कब करोगे? माँ बाप को राजी कब करोगे? माँ अगर रूठी है तो माफी कब मांगोगे? बाप से अगर बेअदबी हो गई है तो माफी कब मांगोगे?
माँ बाप का अगर दिल दुख गया है फौरन गलती मानो माफी मांगो। बाप का दिल टूटने का मतलब है अल्लाह का पकड़ हो जाएगा, अल्लाह का पकड़ हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ अमीना जिंदा होती, काश मेरी माँ अमीना जिंदा होती, मैं ऐशा की फर्ज नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता और कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी आगे इरशाद फरमाते, मेरी माँ अमीना आवाज देती, बेटा मोहम्मद, तो मैं सूरह फातिहा छोड़कर नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर होती, माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता और मैं कहता कि अम्मा अम्मा क्या बात है, आपने अपने बेटे को याद किया है, कुर्बान जाओ। ये नफल नमाज नहीं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, नफल नमाज नहीं, फर्ज नमाज की नियत नियत, मैं ऐशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ में ना आवाज देती और कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी की उम्र 7 साल थी, अल्लाह के नबी की वालिदा हजरत आमिना का इंतकाल हो गया था। अल्लाह के नबी की उम्र 7 साल थी, कितने साल थी भाई बोलो। मकाम अबवा, मकाम अबवा में हजरत आमिना का कब्र है। मकाम अबवा कहाँ है? मक्का और मदीना के दरमियान में एक मकाम है, पहाड़ी इलाका है। आज भी उनकी कब्र वहां पर मौजूद है, आज भी वहां पर उनकी कब्र मौजूद है। अल्लाह के नबी आखिरी वक्त में हज करने आ रहे थे, 7 लाख का मजमा है, 7 लाख के लश्कर है साथ में। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, पड़ाव डालो, ठहरो। इस पहाड़ी पर अल्लाह के नबी चढ़े, जिस पहाड़ी पर मां का कब्र था, माँ की कब्र थी, उस पहाड़ी पर अल्लाह के नबी चढ़े और कुर्बान जाओ। जानते हो हदीसों के अंदर माता है, अल्लाह के नबी घुटनों के बल बैठे, घुटनों के बल बैठे और यूं हाथ लेकर अपने सरों पे रखे, हिचकियां बांध कर अल्लाह के नबी रोए। सुबह से लेकर शाम हो गई, माँ की कब्र पे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो अपनी माँ के कब्र पे बैठे रहे। ऐ नौजवानों, ये बताना मकसूद था अल्लाह के नबी को, अल्लाह के नबी को ये बताना मकसूद था कि माँ क्या है, बाप क्या है। सुनो, माँ क्या है, बाप क्या है। मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी मिंबर पर बैठे हैं, सहाबा का ये सहाबा की ये जमात बैठी है, ये औरत दरवाजा बाबू सलाम से दाखिल हुई, मस्जिद के अंदर दाखिल हुई, एक औरत, अल्लाह के नबी की नजर पड़ गई उस औरत के चेहरे पर और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी की नजर पड़ गई उस औरत के चेहरे पर, अल्लाह के नबी खड़े हो गए उस औरत के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। जैसे ही वो औरत करीब आई, अल्लाह के नबी ने सलाम किया, अपने कंधे से काली कमली को जमीन पर बिछाया, आपने फरमाया अम्मी जान इस चादर पर बैठ जाओ। जानते हो सहाबा महवे हैरत है कि या अल्लाह ये कौन खुशनसीब औरत है जिसके इस्तकबाल की अल्लाह के नबी खड़े हो गए और जिसके बैठने के लिए अल्लाह के नबी ने अपने अपनी काली कमली को जमीन पर बिछा दिया। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह वानू ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये खुशनसीब औरत कौन है जिसकी ताजीम के लिए आप खड़े हो गए, जिसके बैठने के लिए आपने अपनी चादर को बिछा दी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए उमर तुम्हें पता नहीं है ये मेरी माँ दाई हलीमा है। जरा सुभान अल्लाह बोलो, माशा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहू अकबर अल्लाह अकबर। जिंदाबाद 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 अल्लाह अकबर। माँ का मकाम क्या है तुम्हें बताऊं, माँ की अजमत क्या है, माँ की अजमत क्या है तुम्हें बताऊं। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है, हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। एक नौजवान है, एक नौजवान शादी करके आया, 3 महीने हुए, उसकी बीवी ने फरमाइश की कि अब हम आपके घर में नहीं रह सकते, ये बूढ़ा बाप आपका आपकी खिदमत नहीं कर सकते, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो चलो मैके चलो, मैं मैके जाऊंगी, वहीं रहूंगी, मैं आपके घर में नहीं रह सकता। ये लड़का बीवी का आशिक था, दीवाना था, बीवी की बातों पर आ गया, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर बीवी के साथ ससुराल चला गया, फिर वहीं से दिल्ली निकल गया और बताया गया अल्लाह अकबर कभी दिल्ली में रहा और वो कॉन्टेक्ट में रहा सऊदी अरब का, वीजा मिल गया, सऊदी अरब चला गया, सऊदी अरब से पैसा भेजते जाता अपनी बीवी के पास, माँ बाप की फिक्र नहीं। 14 साल गुजर गए, कितने साल गुजरे भाई,
14 साल का अरसा गुजर गया। इन 14 सालों में इस नौजवान ने 12 हज किए। कितने हज किए मेरे भाई? ये 12वां हज था। बैठकर खाना काबा के पास में हिचकियां बांध कर रो रहा है, जारो कतार रो रहा है, तो पीछे से किसी ने कंधे पे हाथ रखा नौजवान का। ए नौजवान, कौन ऐसा गुनाह किया है, कौन ऐसा गुनाह किया है जो इस जारो कतार से रो रहा है? ऐसा मैंने किसी को रोते हुए नहीं देखा। पलट कर देखा तो अल्लाह वाले एक बुजुर्ग हस्ती है, चेहरा सफेद है, सर पे अमामा बंधा है। कहा कि हजरत, ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया। ना इबादत अच्छी लगती है, ना जिक्र अच्छा लगता है, ना खाने चैन है, ना सोने चैन है। हजरत, ये मेरा 12वां हज है, 12वां हज है मेरा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिल में किसी ने ताला लगा दिया। तो अल्लाह वाले ने कहा कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। अरे सुभान अल्लाह, बोलो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। तुम्हारी माँ है? माँ है, माँ है। बोला हाँ। बाप है? बोला हाँ। बोले कहाँ है? बोला पता नहीं। बोला पता नहीं, 14 साल हो गए मैंने माँ के चेहरे को नहीं देखा, बाप के चेहरे को नहीं देखा, पता नहीं मेरी माँ कैसे होगी, मेरा बाप कैसे होगा। तो अल्लाह वाले ने कहा कि फिर ये खाने काबा में बैठ कर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? उठ जा, जा भाग, अपनी माँ, रूठे हुए माँ बाप से माफी मांग ले, अगर उन्होंने माफ कर दिया तो अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है, जा खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है, जा। ये नौजवान उठा, रोता हुआ उठा, अपना डेरा आया, रूम के अंदर में आया है और कुर्बान जाओ टिकट बनाने में लग गया, फ्लाइट पकड़ा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना कदम रखा। अल्लाह अकबर कबीरा। और गाड़ी ली, एयरपोर्ट से गाड़ी लिया, सीधे अपने गांव के लिए रवाना हुआ। लेकिन कुर्बान जाओ, अब देखा कि गांव में बहुत सारी बिल्डिंगें बन गई है, 14 साल का अरसा गुजर गया, उसका घर की जगह पता नहीं। एक बूढ़े मियाँ घास काट रहे थे बेटे। इस नौजवान ने कहा कि थोड़ा पूछ लूं अब्बा के बारे में, मम्मी के बारे में। तो उनसे पूछा कि चचा, ये अपना बाप का नाम लेके पूछा कि अब्दुल्ला साहब का घर कौन सा है। तो बूढ़े मियाँ ने नीचे से ऊपर तक देखा उस नौजवान को, कहा कि कौन अब्दुल्ला मियाँ? वो बेचारे तब इस दुनिया में नहीं रहे। उसका एक नालायक बेटा था, अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया, बेटा का गम बर्दाश्त ना कर सका बेचारा, इस दुनिया से रुख सकता। इस नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गया। फिर वो नौजवान पूछता है कि उसकी बीवी का क्या बना, उसकी बीवी, अपनी माँ के बारे में पूछा कि उसकी बीवी का क्या बना। तो कहा कि वो उसकी बीवी बेचारी शौहर के मरने के बाद दूसरे के घर में काम करती थी, किसी तरह रोटी रोजी उनकी चलती थी, लेकिन अब सुनने में उसको फालिज मार दिया है, बिस्तर पे पड़ी रहती है, जिसको होता है खाना लाकर देता है, जिसको नहीं होता खाना लाकर नहीं देता है। अब तो पता ये भी चला है कि उसकी आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई, बस उनकी एक आखिरी, बस आखिरी ख्वाहिश यकी रट लगाती रहती है कि मौला उस वक्त तक मेरे जिस्म से रूह ना निकले जब तक कि मैं अपने बेटे के चेहरे को ना देख। ना जाने वो कौन नालायक बेटा है जो अपनी माँ को छोड़कर भागा हुआ है, अब माँ है कि उसके लिए जान कुर्बान करने को तैयार। ये नौजवान जारो कतार रोने लगा। ओह, कांपते हुए कदम से अपने आंगन में कदम रखा है, चारपाई पे देखा कि एक ज़ईफ़ा, एक बूढ़ी सुकर कर बैठी। कदमों की आहट को सुनकर बुढ़िया ने आवाज लगाई, कौन है, कौन है? तो लरसते हुए आवाज में, कांपते हुए आवाज में इस नौजवान ने कहा कि माँ, तेरा गुनहगार बेटा तेरे सामने खड़ा। माँ कहती है कि बेटा मेरे करीब आ जा, मेरे जिस्म में रूह इसलिए अटकी हुई थी, मेरे करीब आ जा मेरा लाल, मेरी आंखों में रोशनी तो नहीं चाहिए जो तेरे चेहरे को देख सकूं, अपना चेहरा मेरे करीब कर दे ताकि हाथ फेर लूं चेहरे पे, ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। पीते पीते दूध कभी आ चल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी आ चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाते थे
उस पल को याद करो ना मेरे बच्चों, जब हम छोटे थे, जब हम छोटे थे माँ की गोद में थे, ये हमारी माँ बैठी बहने बैठी, आज इनसे पूछो कुर्बान जाओ बच्चे पखाना कर देता गोद में, माँ को नफरत नहीं होती, माँ नफरत नहीं करती औलाद से, अपने हाथों से उस गंदगी को साफ करती है, उस गंदगी को धोती है, और कुर्बान जाओ बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, माँ माँ की आंखों से नींद खत्म हो जाती है, जब तक बच्चा सो ना जाए माँ को नींद नहीं आती। बताओ सही है कि नहीं है? इंशाल्लाह हाथ उठा के वादा करो अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। जलसा सजाने वालों, मेरे नौजवानों बच्चों सुनो, अगर ये जितने बैठे हैं ना यहाँ पर, जितने बैठे हो, अगर एक ने भी अगर अमल कर लिया इंशाल्लाह, एक ने भी अगर अमल कर लिया तो कसम खुदा की जलसा सजाने वाले का जलसा सजाना मकबूल हो जाएगा, आने वालों का आना मकबूल हो जाएगा, मुकर्रर का तकरीर करना मकबूल हो जाएगा, और सुनने वालों का सुनना मकबूल हो जाएगा। एक ने भी अगर अमल कर लिया, एक ने भी अगर अमल कर लिया, माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज, माँ बाप अल्लाह को राजी करना चाहते हो, माँ बाप को राजी कर लो, कसम खुदा की मेरा अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, मेरा अल्लाह राजी हो जाएगा। कुरान में एक जगह नहीं, कई जगहों पर अल्लाह ने अपने साथ अपनी इबादत के साथ साथ दूसरा जो हुक्म दिया वो ये हुक्म दिया कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। रोजे का हुक्म नहीं दिया तुरंत अपनी इबादत के बाद कि मेरी इबादत कर चुका जाओ रोजा रखो, नहीं, अपनी इबादत के साथ अल्लाह ने कहा कि मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान जाओ। नौजवानों, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे, माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। एक नौजवान लंदन गया कमाने के लिए, तो रोड पर निकला ना तो देख रहा कि एक आदमी दवाई बेच रहा है, और वो दवाई कैसी दवाई ऐलान करके बेच रहा है, इस दवाई को बूढ़ा खा ले जवान हो जाए, जवान खा ले तो लड़कपन आ जाए। ये नौजवान ने सोचा बहुत अच्छी दवाई है भाई, एक डिब्बा ले ली इन्होंने 10 टेबलेट, बोले मैं अपनी माँ को भेज दूंगा, बाप को भेज दूंगा, मेरे अब्बा अम्मी खाएंगे उनका बदन हाथ ठीक हो जाएगा। एक डिब्बा लेके भेज दिया, खत में लिख दिया अम्मी एक तुम खा लियो, बाकी को कुछ अब्बा को भी खिला दियो। दवाई आई, उसकी माँ ने एक टेबलेट खाई रात में, सुबह देखती क्या कि जितने बाल सफेद थे ना सब काले हो गए, झुर्रियां चेहरे पे थी खत्म हो गई, बदन हाथ में ताकत आ गई। तो उसके शोहर ने देखा, पूछा कितनी टेबलेट खाई तुमने, बोला एक खाई, बोला एक का ये आलम है, और कितनी बची, बोला नौ, बोला नौ ले आओ मुझे खाना, बोला भूल से मत खाइयो, बड़ी पावर वाली ताकत दवाई है, नौ मत खाना, बोला नहीं नौ खाऊंगा मैं, और नौ खा लिया, नौ का खाना था, बच्चा हो गया, इतना बड़ा बच्चा हो गया। उसकी भी बोली अभी इस बला का क्या करें, बोला हमें झूलना में झूला दो। कुछ महीने बाद उसका बेटा आया, देख माँ के चेहरे को देखा, खुश हो गया, माँ से पूछा अब्बा कहाँ है, तो माँ बोली अब्बा कहाँ बेटा, वो जो दवाई बेच के दिया था तेरे अब्बा को बच्चा बना दिया, झूला में झूला तेरा बाप। नौजवानों, आज भी मैं अपने माँ बाप की कब्र से जब भी गुजरता हूँ ना, कसम खुदा की आंखों से आंसू आ जाता है। कोई ऐसी नमाज नहीं जिस नमाज में मैं अपने माँ बाप के लिए दुआ ना करूँ, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, बहुत छोटी दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, अपने माँ बाप के हक में। अच्छा, वो औलाद जो एक हदीस सुना दूँ कि जिनके जिंदगी में माँ बाप नाराज था, इंतकाल कर गया, यानी हमसे मेरी माँ नाराज थी, बाप नाराज था, इसी हालत में मेरा बाप चला गया, मेरी माँ मर गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ऐसी औलादें दुनिया के अंदर में अपने माँ बाप के हक में दुआ करें, कसरत के साथ दुआ करें, बख्शिश मगफरत की दुआ करता रहे, उनके नाम पर इस सालों सवाब का काम खैरात सदका करता रहे, और उनके अब्बा के दोस्तों से मेल मिलाप मोहब्बत करता रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कसरत इस्तिगफार की वजह से, इस सालों सवाब की वजह से, बख्शिश मगफरत की दुआ की वजह से अल्लाह उस नाफरमान औलाद को फरमा बरदार औलादों में शुमार कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उनके दिलों से पूछो नौजवानों, ये अजीम दौलत माँ बाप है,
आज जिंदगी में इसकी कदर कर लो मेरे बच्चों, ये आखिरी पैगाम दे रहा हूं। माँ बाप अगर घर में है उसकी कदर कर लो, कसम खुदा की ये दौलत है, एक बार हार से निकल गई ना फिर जिंदगी भर पछताओ, जिंदगी भर तरसोगे। दुनिया में रुपए तो होंगे तुम्हारे पास, सोना चांदी होगा, दुनिया की हर खुशी होगी, लेकिन माँ नहीं मिलेगी, बाप नहीं मिलेगा। उनके दिल से पूछो जिनकी जिंदगी माँ नहीं है, बाप नहीं है, मुझसे पूछो ना माँ क्या होती है। सुनो सुनो सुनो, हकीकत सुनो। जब मैं पहले मैं तकरीर करके घर आता था ना, सुनो, रात दो बज जाए क्यों नहीं, जब तक मैं घर नहीं पहुंचता था मेरी माँ सोती नहीं थी, मेरी माँ सोती नहीं थी, तस्बीह पढ़ती रहती थी, कब मेरा बेटा आएगा दरवाजा खोलेंगे। मेरी माँ खाना नहीं खाती थी, जब मैं जलसे से आता था मेरे साथ खाना बैठ के खाती थी। मेरी माँ मर गई, आज मैं कब घर आऊं किसी को परवाह नहीं, किसी को परवाह नहीं। अब आज एहसास होता है कि वो माँ थी जो दरवाजे पे टिकटिकी बांधते देखती रहती थी, कब मेरा लाल आएगा, मैं दरवाजा खोलूंगी इसके चेहरे को देखूंगी, लुकमा बनाकर अपने बेटे को खिलाऊंगी। इतनी मोहब्बत कोई रिश्ता नहीं कर सकता जितनी मोहब्बत माँ अपनी औलादों से करती है, बाप अपनी औलादों से करता है। उनके दिल से पूछो मेरे दिल से पूछो, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में, है दर माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। ए मेरे बच्चों, अपने माँ बाप की खिदमत करोगे हाथ उठा के वादा करो इंशाल्लाह। रूठे हुए माँ बाप को मनाना है, रूठे हुए माँ बाप को मनाना है, अपने माँ बाप की खिदमत करना है। अगर तुम चाहते हो कि आसमान की बुलंदी को मैं छू लूं, अल्लाह अकबर कबीरा, ये फकीर का एक पैगाम लेकर जाओ मेरे बच्चों। अगर तुम चाहते हो कि आसमान की बुलंदी को मैं छू लूं, तो अपने माँ बाप को राजी कर लो, मेरा अल्लाह उस मकाम पर पहुंचा देगा जहां तक तुम सोच नहीं सकते। अगर तुम चाहते हो हम इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, तो सुनो, माँ की दुआएं लेते रहो, बाप की दुआएं लेते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाबी अता फरमा देगा। शर्त है कि सच्ची दुआ लो, सच्ची दुआ लो। अल्लाह तबारक व तआला, ए अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, ए अल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ का वक्त है, कबूलियत की घड़ी है। मौजूद शामिल कराम, अच्छा माँ बहनों के लिए कुछ बोल दो इंशाल्लाह। भाई बोल दे कि तकरीर खत्म करे क्या, और बोल दे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहने आई है, मेरी माँ बहने सुनो, देखिए मेरी माँ बहने बड़ी भोली है। हा, अच्छा मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भाई बोलो भाई। मेरी माँ बहने सोच रही होंगी कि अभी हम लोगों की तकरीर शुरू हुई है। घर में झाड़ू लगाना ये भी नबी की सुन्नत। कितने नौजवान घर में झाड़ू लगाते हो? नबी की सुन्नत समझ कर घर में झाड़ू लगाना, और कुर्बान जाओ बीवी के हाथ बटा देना, ये नबी की सुन्नत है। और सुनो, अम्मा आयशा आटा लेकर एक बार बैठ कर रो रही है, कच्ची उम्र बच्ची है, छोटी उम्र की थी अम्मा आयशा, आटा आगे में है, बैठ कर रो रही है। अल्लाह के नबी अंदर तशरीफ लाया, आयशा क्या हुआ, क्यों रो रही? कहा या रसूलल्लाह मुझे आटा गूंदना नहीं आता। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, इसमें रोने की क्या बात है, लाओ मैं गूंद देता हूँ। जरा सुभान अल्लाह बोलो, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाओ, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे
पत्थर न मिलेगा सरकार दो आलम सा पयंबर न मिलेगा। सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सा पयंबर न मिलेगा, पयंबर न मिलेगा। कुर्बान जाओ, कपड़ा फट जाता ना, कपड़ा फट जाता। ए नौजवानों सुनो, अल्लाह के नबी अपने हाथों से कपड़ा सीते। जूता फट जाता, अल्लाह के नबी अपने हाथों से जूता धोते। और कुर्बान जाओ, कभी कभी अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में देख रहे कि अल्लाह के नबी अपने घर वालों के साथ में उम्मातुल मोमिनीन के साथ में बैठकर घर का काम कर रहे हैं, ये भी नबी की सुन्नत है। और अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। क्या फरमाया भाई, तुम में सबसे, ये नहीं कहा जो सबसे ज्यादा नमाज पढ़ता वही अच्छा है, नहीं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करता हूं। किसी भी अजवाज मुतहरा से साबित नहीं कि अल्लाह के नबी घर के अंदर दाखिल हुए चेहरे पे तबस्सुम ना हो, होठों पे मुस्कुराहट ना हो। अल्लाह के नबी घर के अंदर तशरीफ ले जाते, होठों पे तबस्सुम होता, चेहरे पे मुस्कुराहट होती, तो इस हालत में अपने घर के अंदर तशरीफ ले जाते। ए नौजवानों, घर सोना चांदी रुपयों पैसे से नहीं चलता है, घर चलता है अच्छे अखलाक से। अपने अखलाक को आला करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, मोमिनों में सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो, जिनका किरदार अच्छा हो। छोटी मोटी गलतियां तो हो जाती है। अब बताइए, जो बीवी हमारे बदन का मैला कपड़ा धोती है, जो बीवी मेरे बदन का मैला कपड़ा धोए, मेरे लिए खाना बनाए, हम जब कमाने चले जाएं, मेरे बच्चों की परवरिश करे, मेरे घरों के, मेरे घर की देखभाल करे, और जब हम थक हार करके आए, मुझे दबाए, मेरे बदन को दबाए, और मेरे मेरे खाने से पहले हाथ में खाना ना लगाए, जब तक मैं सो ना जाऊं, वो बिस्तर पे ना सोए, ऐसे दोस्त से, ऐसे साथी से अगर कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माफ करना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? हमें करना चाहिए कि नहीं चाहिए? सुनो, ये औरत की जात बड़ी भोली है, बड़ी सीधी है, इतनी इज्जत करती है अपने शोहर की कि अपने शोहर के नाम नहीं लेती है। भाई लेती है? अरे भाई बोलो ना, आपके यहाँ लेती है क्या? पूछ के रह जाओ, आप पूछ के रह जाओ कि ए फातिमा अपना शोहर का नाम बता दे, ए खदीजा अपना शोहर का नाम बता दे। नहीं बोलेगी? बोले नहीं, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेगी? बोले नहीं, निकाह टूट जाएगा। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। वो ताजिम करती है, इज्जत करती है अपने शोहर का, वो कितना एहतराम करती है कि शोहर का नाम लेंगे तो मेरा निकाह टूट जाएगा। ये बेअदबी है। कुर्बान जाओ, बड़ी भोली है मेरे भाई, ये बीवी जैसा दोस्त नहीं मिलेगा, बीवी जैसी साथी नहीं मिलेगी, बीवी जैसा फ्रेंड नहीं मिलेगा। और कुर्बान जाओ, अम्मा आयशा, सुनो, एक जंग से अल्लाह के नबी लौट रहे थे, अम्मा आयशा साथ में है, अपने साहबा को अल्लाह के नबी मदीना के करीब आए, फरमाया कि जाओ तुम लोग आगे बढ़ो। आगे बढ़ गए साहबा, आगे बढ़ गए। अम्मा आयशा से अल्लाह के नबी कहे, फरमाए आयशा रुक जाओ, तुम रुको। तमाम साहबा चले गए। अब अल्लाह के नबी कहते, आयशा मुझसे दौड़ लगाओगी? दौड़ लगाओगी? मेरे साथ दौड़ोगी? मुकाबला करोगी? अम्मा आयशा कहती है, हाँ लगाएंगे, लेकिन आपको जितने नहीं देंगे। अम्मा आयशा पतली दुबली थी ना, छोटी उम्र की, अल्लाह के नबी के साथ दौड़ लगाए, तो अल्लाह के नबी से आगे निकल गई अम्मा आयशा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा तुम जीत गई? कहा, या रसूल अल्लाह मैं जीत गई। फिर कुछ महीने गुजरे, अम्मा आयशा का बदन थोड़ा सा भारी हो। एक जंगे के मौके पर आ रहे थे, अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा ठहर जाओ, आज फिर मुकाबला होगा, आज फिर मुकाबला होगा। सहाबा को भेजे, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, आयशा आज दौड़ोगे? बोला दौड़ेंगे। बोला बस शुरू हो जाओ। अम्मा आयशा पीछे रह गई, अल्लाह के नबी आगे निकल गए। कुर्बान जाओ, अम्मा आयशा की आंखों में आंसू आ गया, तो अल्लाह के नबी ठहरे, आंसुओं को पूछते हैं, कहते, आयशा मैं नहीं जीता, ये जीत तो तुम्हारी जीत है। कुर्बान जाओ, नौजवानों, बीवी क्या है? एक साथी है, एक दोस्त है, एक हम सफर है। कुर्बान जाओ, उनसे छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ कर देना, इंशाल्लाह माफ करेंगे अपने बीवियों को। मेरे भाई हाथ उठाकर बोलो, इंशाल्लाह माफ करेंगे, इंशाल्लाह। बड़ी सीधी है। एक औरत ऐसी नमाज पढ़ रही थी, नमाज बताओ अपने शोहर के कितने एहतराम करते, नमाज पढ़ रही थी, और उसकी पड़ोसन मिलने चली गई, तो देखी नमाज पढ़ रही, तो जाके बगल में बैठ गई कि नमाज पढ़ेगी तब बात करेंगे। तो जब इसकी नमाज पूरी हुई, सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम मुन्ना कब्बा, अस्सलाम वालेकुम मुन्ना कब्बा,
ये जो औरत मिलने गई थी वो बोली कि अल्लाह के बंदी ये नमाज में क्या पढ़ रही है तू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलोगे मुन्ना का बाबा बुला रही हो तू। बोले नहीं हमको पता है, पता है, दरअसल बात यह कि मेरे शोहर का नाम रहमतुल्लाह है, हम उसका नाम नहीं लेते, हम मुन्ना का अब्बा ठोक देते हैं। अब कुर्बान जाओ, बड़ी सीधी है हमारी माँ बहनों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो। ए मेरी माँ बहनों, चार पैगाम, चार बातों को याद रखना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि हव्वा की बेटियों, चार बातों पर अमल कर लो, जिद्द जन्नत के आठ दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों सुनो, इन चार बातों को दामन में बांट लेना, बांध लेना। पहला काम, जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज ना छोड़ना, नमाजों को कजा मत करना, अल्हम्दुलिल्लाह। जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना, पहला काम, पहला काम। दूसरा काम, रमजान का महीना पाओ, जितने रोजा रख सकती हो रोजा रख लो, ये दूसरा अमल है। तीसरा काम, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का अहतमाम करना, इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, ये तीसरा काम हो गया। चौथा काम जो है ना, चौथा अमल जो है मेरी मां बहनों, चौथा अमल ये है, अपने शौहर को राजी रखना। सुनो, लाख नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, रोजा रख लो, खाने काबा का हज कर लो, कसम खुदा की अगर शौहर नाराज रहेगा अल्लाह तेरी इबादत को कबूल नहीं करेगा। मेरी माँ बहनों, अपने शौहर को हमेशा खुश रखना, शौहर की खिदमत करना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि किसी औरत का इस हालत में उसकी मौत हो जाए कि मौत होते वक्त उसका शौहर उससे राजी था, तो वो औरत जन्नती है। जरा सुभान अल्लाह बोलो, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस औरत से उसका शौहर राजी था और राजी की हालत में उस बीवी का, औरत का इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि वो जन्नती औरत है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ए अल्लाह, हमारा जितना भी नौजवान बच्चा यहाँ पर जलसा सजाए, बड़ी से जलसा सजाया है, या अल्लाह इन सब की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह इन बच्चों के खुलूस को, मेहनत को, लगन को, अखलाक को, किरदार को, या अल्लाह सबको मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। या अल्लाह हमारे ये बच्चे जितने बैठे हैं, या अल्लाह हम सबको पक्का पक्का सच्चा पांचों वक्त का नमाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। पक्का इंशाल्लाह पैगाम लेकर उठो, आज तक मस्जिदों से दूर थे, सजदों से दूर थे, इंशाल्लाह ये जलसा से एक पैगाम लेकर उठोगे, इंशाल्लाह ये हकीकत है, भूल हुई है, अल्लाह से माफ़ी मांग लेना है कि अल्लाह आज तक हम बहुत नमाज कजा कर लिए हैं। या अल्लाह आज के बाद से इंशाल्लाह, आज की सुबह फजर की नमाज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। हाथ उठा के वादा करो, इंशाल्लाह पक्का वादा करना, इंशाल्लाह आमीन, पक्का वादा करना, कोई नमाज नहीं छोड़ेगा, कोई नमाज नहीं छोड़ेगा, हर आदमी पाबंदी के साथ पांच वक्त की नमाज पढ़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब अल्लाह पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुनो, नमाज पढ़ना तो ये हमेशा तसव्वुर रखना कि ये मेरी आखिरी नमाज है, ये मेरी आखिरी नमाज है। अच्छा ठीक है, हम जुहर की नमाज पढ़ रहे हैं, कोई गारंटी है हम असर की नमाज पढ़ पाएंगे? कोई गारंटी है भाई? ये मेरी आखिरी नमाज हुई कि नहीं, ये मेरी आखिरी नमाज हुई कि नहीं, असर की नमाज पढ़ रहे हैं, कोई मुझे गारंटी दे सकता हम मगरब की नमाज पढ़ पाएंगे? कुर्बान जाओ। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, बिहार का आदमी था, दिल्ली से आ रहा था, रेलवे स्टेशन पहुंचा, सोचा कि टिकट काउंटर से टिकट ले लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे, रिजर्वेशन नहीं था। तो जब स्टेशन पहुंचा तो देखा कि ट्रेन का खुलने का समय हो गया, टिकट अगर काउंटर से टिकट लेने जाते हैं, लाइन में लगते हैं तो ट्रेन छूट जाती है, और ट्रेन छूटने का मतलब है कि 24 घंटा हमको बैठना पड़ेगा, फिर कल सुबह ये ट्रेन मिलेगी। तो ऐसी हालत में उन्होंने कहा कि टिकट नहीं लेते हैं, ट्रेन में चढ़ जाते हैं बगैर टिकट का, टीटी आएगा ना समझ लेंगे, फाइन करेगा फाइन करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा कि टीटी आ रही, बोला अच्छा ठीक आ जाओ। आदमी बड़ा चालाक था, चतुर था, बैग खोला, गमछा निकाला, तौलिया निकाला, चादर निकाला, बिछाया, नियत बांध ली, अल्लाह अकबर, सलाम फेरे, फिर अल्लाह अकबर, टीटी आके बगल में खड़ा हो गया। ये सलाम फेरता था, फिर खड़ा हो जाता, फिर नियत बांध ले, टीटी को बोलने का मौका ही नहीं देता था। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़ो कितना नमाज तुम पढ़ते हो, जब तक टिकट लेंगे नहीं हम हिलेंगे नहीं यहां से। ये आदमी भी देख लिया कि टीटी हिलने वाला नहीं है, अब कैसे हिलेगा, ये भी आइडिया दिमाग में लगा लिया कि बेटा तुम भागो कैसे हमको पता, बस सलाम फेर के खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह हुआ। टीटी भाग गया, बोला नमाज तुम पढ़ते रहो, टिकट नहीं लेंगे, टिकट माफ। ओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ।
ये हमारे गुलाम रसूल साहब नौजवान, इन्होंने आज के डेट में मेरा दो जलसा है, मैंने इश्तिहार भी भेज दिया था गुलाम रसूल साहब को कि बाबू मेरी तारीख खाली नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तारीख वैसे खाली रहती नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अक्टूबर से जलसा कर रहा हूँ, 12 अप्रैल तक सारी तारीखें मेरी फुल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने दो दो इश्तिहार गुलाम रसूल साहब को भेजा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि नहीं हज़रत आपको हर हाल में आना है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की ख्वाहिश है, बिहार में तो हमेशा जलसा करते हैं, कम अज़ कम आप हमारे मेदिनीपुर की सरजमीन पर तशरीफ़ लाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को बुलाना मकसूद था, अल्लाह ने आपके सामने खड़ा किया है, जो मैंने कहा है अगर इसमें कोई भूल चूक हो गई होगी खुदा के वास्ते मुझे माफ कर देंगे। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है, जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है, खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है, खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।